डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और आई नो आप सब ठीक ही होंगे क्योंकि आज तो मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हुई है रात को। आज दिन अच्छा गुजरेगा, गर्मी नहीं है इतनी। दूसरी बात ये कि चले सब अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, ओपन करें अपनी इंग्लिश लर्निंग टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थ्री। क्लास थ्री की इंग्लिश लर्निंग टेक्स्ट बुक आप लोग ओपन करें। टुडे वी विल डू, आज हम रीडिंग करेंगे यूनिट नंबर थ्री की एंड द पेज नंबर इज 30। पेज नंबर 30 ओपन करें आप सर। सारास जियोग्राफी लेसन, पेज नंबर 30 आप सब ओपन करें। सारा जियोग्राफी लेसन। ओके, ऑल ऑफ यू शो मी योर बुक्स। वेरी गुड, ठीक है। ऑल ऑफ यू शो मी योर बुक्स। वेरी गुड, चलें। आप सब अपने हाथ में पेंसिल पकड़े। अच्छा, मिस तैयबा इज सारास जियोग्राफी टीचर। मिस तैयबा जो थी वो सारा की जियोग्राफी की टीचर थी। सारा लव्स मिस तैयबास लेसन। सारा को मिस तैयबा जो पढ़ाती थी, जो लेसन पढ़ाती थी जियोग्राफी का, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। टुडेज लेसन वॉज अबाउट लाहौर। और आज उनका जो लेसन था वो किस चीज़ के बारे में था? लाहौर के बारे में था। किस चीज़ के बारे में? लाहौर के बारे में। लाहौर आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर कितनी मज़े की जगह है। वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पुराने इमारात हैं वहाँ पर। और अच्छा, कौन कौन लाहौर गया हुआ है? रेज योर हैंड जिसने लाहौर देखा है। जहाँ पर मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, शालीमार गार्डन्स है, जहांगीर टॉम्ब है, फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर कितने मज़े मज़े के कपड़े मिलते हैं, किस किस ने देखा है? अच्छा, टू स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? एमल और गज़नफर। अच्छा, एमल और गज़नफर ने लाहौर देखा हुआ है, बाकी भी इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, आज जो है तो मिस तैयबा इस सारा जियोग्राफी टीचर, मिस तैयबा जो थी वो सारा की जियोग्राफी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ। सब लिखें, जियोग्राफी को अंडरलाइन करके सब लिखें, स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ लिखे सब। ओके, मिस तैयबा व्हाट डिड यू लर्न टुडे। मिस तैयबा ने बच्चों से पूछा कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न टुडे। ओके, मलिक कबीर ने भी लाहौर देखा है। ओके, गुड। मिस तैयबा ने बच्चों से कहा कि आज आप लोगों ने क्या सीखा है। व्हाट डिड यू लर्न टुडे। सारा ने कहा वी लर्न अबाउट लाहौर एंड इट्स फेमस बिल्डिंग्स, कि आज हमने लाहौर और उसके जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं वो हमने देखे हैं। ओके, वर्दा आपने भी देखा है, वेरी गुड। वी लर्न अबाउट लाहौर एंड इट्स फेमस बिल्डिंग्स, हमने आज लाहौर और उसके जो मशहूर इमारात हैं उसके बारे में सीखा है। मिस तैयबा ने कहा व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड यू कलेक्ट, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने आज कलेक्ट की, क्या सीखा आज आप लोगों ने। सारा ने कहा वी लर्न हाउ मुस्लिम्स मेड लाहौर अ हिस्टोरिकल सिटी, कि मुस्लिम्स ने लाहौर को हिस्टोरिकल सिटी कैसे बनाया है। हिस्टोरिकल मीन्स के तारीखी मकामात जो हैं, तारीखी इमारात। वी आल्सो लर्न हाउ मुस्लिम आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड आर्ट एंड डिज़ाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हमने ये भी सीखा है कि मुस्लिम आर्किटेक्चर जो फन तामीर, जो इमारात तामीर करते हैं, इन्फ्लुएंस मीन्स इफेक्ट, कि आज हमने सीखा कि मुस्लिम जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं जिन्होंने पुरानी इमारात बनाई हैं, उन्होंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये कैसे मशहूर हुए थे, ये हमने आज सीखा। वी आल्सो लर्न हाउ मुस्लिम आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस आर्ट एंड डिज़ाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें हिस्टोरिकल और फेमस लिखे हुए हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस में हमारे पास लाहौर फोर्ट आता है,
बादशाही मस्जिद आता है और शालीमार पार्क आता है, ये सब हमारे पास हिस्टोरिकल में आते हैं। शालीमार पार्क जो है वो हिस्टोरिकल में नहीं, वो फेमस है, वहाँ पर फेमस जो जगह है वो सफारी पार्क आप लोगों ने देखा होगा, जू आप लोगों ने लाहौर का देखा होगा। अच्छा, अब आप लोग अपने हाथ में पेंसिल पकड़े, मैं यहाँ से रीडिंग करवा रही हूँ और मेरे साथ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन करें, ठीक है। मिस तैयबा इज सारास जियोग्राफी टीचर। जियोग्राफी को अंडरलाइन लिखें, अंडरलाइन करें, इसको हम जोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको जोग्राफी पढ़ते हैं। माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर, वाई? अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? ओके, वेट, ओके। सो नाउ टेक आउट योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विद मी। मिस तैयबा इज सारा ज्योग्राफी टीचर। Underline the word geography. Sara's loves Miss Tayyaba lesson. Underline the word a lesson. Underline the word a lesson. Lesson ko sab underline karein. Today's lesson was about Lahore. Underline the word Lahore. लाहौर को अंडरलाइन करें सब। ओके, मिस तैयबा व्हाट डिड यू लर्न टुडे? अंडरलाइन द वर्ड लर्न। सारा, वी लर्न अबाउट लाहौर एंड इट्स फेमस बिल्डिंग्स। फेमस को अंडरलाइन करें एंड बिल्डिंग्स को भी अंडरलाइन करें, ठीक है। Miss Tayyaba, what information did you collect? Underline the word information and collect. Okay. जब तवस्सल को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो बाकी सबको भी क्लियर आनी चाहिए। सारा, we learned how Muslims made Lahore a historical city. Underline the word Muslims and underline the word historical and city. We also learned how Muslim architecture influenced art and design all over the world. Underline the word architecture and underline the word influenced, design and world. यहाँ तक आप सबको समझ आ गई हो गई कि सारा ज्योग्राफी लेसन, मिस तैयबा जो थी वो सारा की ज्योग्राफी की टीचर थी। सारा को मिस तैयबा का लेसन बहुत अच्छा लगता था। आज उन्होंने लाहौर के बारे में पढ़ा कि लाहौर की फेमस बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं और वहाँ पर हिस्टोरिकल सिटी के बारे में उन्होंने पढ़ा। वहाँ पर मुस्लिम आर्किटेक्चर जो फ़न तामीर करते हैं, वो जो आर्ट सिखाते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे फेमस हुआ, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। मिस तैयबा, लेट्स लर्न मोर अबाउट अदर फेमस बिल्डिंग्स। चलें जी, अभी हम और भी फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सारा, वाओ, मोर इन्फॉर्मेशन। सारा को बहुत मज़ा आ रहा था, उसने कहा कि वाओ, देयर विल बी मच मोर। मिस तैयबा, लेट्स लुक एट द लाहौर सिटी ऑन द मैप। फिर मिस तैयबा ने उन्होंने उनको मैप जो है वो एक नक्शे को बोलते हैं, नक्शा। जिस तरह पाकिस्तान का मैप है, इसी तरह लाहौर का इन्होंने, मिस तैयबा ने स्टूडेंट्स को लाहौर का मैप दिखाया। यू कैन सी मैनी फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। अभी आप लोग इस मैप में हिस्टोरिकल प्लेसेस देख सकते हैं यहाँ की, लाहौर की। यू कैन सी द लाहौर फोर्ट, जो लाहौर का शाही किला जो है
वो बादशाही मॉस, जो बादशाही मस्जिद है, मॉस कहते हैं मस्जिद को, शालीमार गार्डन्स एंड जहांगीर टॉम हाईलाइटेड ऑन द मैप। फिर मिस तैयबा ने हाईलाइट किया इन जगहों को, कौन कौन सी जगहों को, लाहौर फोर्ट जो शाही किला है, बादशाही मॉस जो बादशाही मस्जिद है, शालीमार गार्डन्स, जहांगीर टॉम जो टॉम जो मज़ार को बोलते हैं, टॉम मज़ार को बोलते हैं, जहांगीर का जो मज़ार था, मिस तैयबा ने उसको हाईलाइट किया। सारा, देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर। जब आप लोग लाहौर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के शाही अलामा इकबाल का मज़ार भी है, ठीक है। मिस तैयबा, वी विल नाउ लुक एट अ टेबल विच शोज सम वेल नोन हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सम फेमस प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर। मिस, आई सॉ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द लाहौर फोर्ट, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। सो मिस तैयबा ने कहा कि हम अब एक टेबल देखेंगे जिस पर लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेसेस की पिक्चर्स बनी हुई हैं, वहाँ पर हम जो फेमस प्लेसेस हैं वो हम इस में देख सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री उसको बोलते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट जगह बताई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने आजकल तो वीलॉग्स बनते हैं, वीलॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब हमें वो एक बंदा जो है तो कहीं जा रहा होता है तो वहाँ पर आप लोग को जगह बता रहा होता है। तो इसी तरह सारा ने भी कहा कि मैंने लाहौर डॉक्यूमेंट्री देखी है लाहौर फोर्ट की, जो शाही किला है। तो सारा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस तैयबा, दैट्स गुड, नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्टोग्राफ। यहाँ पर देखें पिक्चर्स बनी हुई हैं, शालीमार बाग की पिक्चर है, लाहौर फोर्ट की, बादशाही मस्जिद की पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग को अगर आप लोग को शौक़ है कि हम लाहौर देखें, लेकिन अगर जा नहीं सकते तो आप लोग नेट में लाहौर को सर्च करें, लाहौर को सर्च करें, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी जो मतलब एक फ़िल्म बनी होती है ना, डॉक्यूमेंट्रीज को बोलते हैं जो एक फ़िल्म बनी होती है, जैसे आप लोग को न्यूज़ में बताया जाता है, जिस तरह आप लोग को नेट में बताया, नेट में आप लोग सर्च करें, आप लोग को डिफरेंट के लाहौर की इस हिस्टोरिकल प्लेसेस आप लोग सर्च करें, वहाँ पर आप लोग को शो हो जाएंगी, अब भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। मिस तैयबा, यू कैन सी दैट द लाहौर फोर्ट इज़ विजिटेड द मोस्ट, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट। अच्छा, मिस तैयबा ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग को कौन सी जगह देखने का बहुत शौक है लाहौर में। तो सारा ने कहा, इंशाल्लाह ऑल ऑफ देम, हमें सारी जगह देखने का शौक है और इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। तो आप सब भी जो है तो अपने मतलब नेट में आप लोग सर्च कर सकते हैं, अगर जा नहीं सकते तो आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर लाहौर की जगह आप लोग को नज़र आ जाएंगी। सो आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग घर में करें, अभी आप लोग हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो रीडिंग तो हम नहीं कर सकते। मैंने आप लोग को इस चैप्टर में बता दिया है कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में हमारे पास लाहौर के बारे में बताया गया है, लाहौर के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताया गया है, और जो फेमस प्लेसेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं लाहौर को तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं और आप लोग जा भी सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ऑल ऑफ यू अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि इस चैप्टर की हम रिटन वर्क स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।